हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टेज 5 पार्ट 2 ऑफ प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 164। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग ने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो आइए सेक्शन 164 को डिटेल में पढ़ते हैं। सो पहली बात ये कि सेक्शन 164 ऐसे कन्फेशंस की बात करती है जो कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल दिए गए हैं। इसका मतलब कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को अगर अक्यूज मिल जाता है और अक्यूज कन्फेशन करना चाहता है तो सेक्शन 164 के अंदर उसके कन्फेशन रिकॉर्ड कर ले जाते हैं। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो ऐसे कन्फेशन को रिकॉर्ड करती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है कि अगर कोई कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया है या पुलिस कस्टडी में किया गया है तो ऐसे कन्फेशंस वैलिड नहीं होते हैं, एडमिसेबल नहीं होते हैं कोर्ट में। इसलिए सेक्शन 164 बोलता है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऐसे कन्फेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रैक्टिकली होता ही है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन में पहुंचता है या अक्यूज को पकड़ लेता है और अक्यूज ऐसे केस में कन्फेशन करना चाहता है तो तुरंत उस अक्यूज को नियरेस्ट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है और सेक्शन 164 की प्रोसीजर जो हम अभी आगे पढ़ेंगे उसे फॉलो करके उसकी जो कन्फेशन है उसे रिकॉर्ड करवा दिया जाता है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भले ही ऐसा मैजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई करने का या कॉग्निजेंस लेने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं रखता हो, ये चीज इमटेरियल होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर एक अक्यूज पर्सन ने भोपाल में ऑफेंस कमिट किया और वो भाग के जबलपुर आ गए और जबलपुर में उसकी अरेस्ट हो गई, अरेस्ट होने के बाद अक्यूज्ड को कन्फेशन करना था तो पुलिस क्या करेगी, उसे जबलपुर मैजिस्ट्रेट के पास ले जाके उसके कन्फेशन से रिकॉर्ड करा देगी। भले ही जबलपुर मैजिस्ट्रेट उस केस का कॉग्निजेंस लेने या ट्राई करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन नहीं रखता है, भोपाल मैजिस्ट्रेट रखता है, तो वो जबलपुर मैजिस्ट्रेट उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेगा और सेक्शन 164 क्लॉज 6 के अंदर भोपाल मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देगा। क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऐसे कन्फेशंस को रिकॉर्ड कर सकता है, तो इस केस में एक्सप्रेसली ये चीज हेल्ड कर दी गई थी कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या कोई अदर मैजिस्ट्रेट है, ये दोनों जो अथॉरिटीज होती हैं ये सेक्शन 164 के अंदर कन्फेशंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकती, और अगर ये कन्फेशन रिकॉर्ड कर भी लेती हैं तो ऐसे कन्फेशंस को एविडेंस में नहीं लिया जा सकता, एविडेंस में यूज नहीं किया जा सकता। फिर अगर हमें ये जानना है कि क्यों अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है और मैजिस्ट्रेट के सामने ही उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस हमें जनरल प्रोविजन बताता है कि जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है तो वो मैजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में ही किया जाता है। एंड अगर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है पार्डन पाने के लिए सेक्शन 306 के अंदर, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को भी कन्फेशन माना जाता है और उस इस ऐसे कन्फेशंस को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है सेक्शन 306 में। तो हमें एक नई बॉडी मिल गई जो कन्फेशंस को रिकॉर्ड करती है। सो आइए समझते हैं कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने के पहले मैजिस्ट्रेट कौन से प्रोसीजर को अपनाता है। तो सबसे पहले जब अक्यूज मैजिस्ट्रेट के सामने पहुंचता है तो मैजिस्ट्रेट अक्यूज से रीजन पूछता है कि आप क्यों ऐसा कन्फेशन करना चाहते हैं। फिर सेकंड, मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को एक स्टेट्यूटरी वार्निंग देगा कि आप ऐसा कन्फेशन देने के लिए या करने के लिए बाउंड नहीं हो, बाध्य नहीं हो। तीसरी चीज, ये मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को बताएगा कि ऐसी कन्फेशंस ट्रायल में आपके अगेंस्ट यूज की जाएगी। और चौथी चीज कि मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सप्लेन करेगा। फिर मैजिस्ट्रेट इस चीज से संतुष्ट होएगा कि क्या ऐसा कन्फेशन वॉलेंटरली दिया जा रहा है या नहीं, या अक्यूज्ड को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, अक्यूज्ड को मैनिपुलेट किया जा रहा है ऐसा कन्फेशन देने के लिए। तो ये चीजें मैजिस्ट्रेट सेकेंड स्टेप में सेक्शन 164 क्लॉज 2 के अंदर चेक करेगा। फिर स्टेट्यूटरी वार्निंग देने के बाद, ये चीज चेक करने के बाद कि वो कन्फेशन वॉलेंटरली दिया जा रहा है या नहीं, मैजिस्ट्रेट जो है अक्यूज के कन्फेशन को सेक्शन 281 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लेगा और उसमें अक्यूज के सिग्नेचर ले लेगा।
और जब मैजिस्ट्रेट ऐसे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेता है तो उस कन्फेशन के नीचे मैजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम ऐड करना पड़ता है, और उस मेमोरेंडम में मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो सेक्शन 164 के क्लॉज 4 के नीचे एक मेमोरेंडम ऑलरेडी दिया गया है। अगर आपको समझना है कि किस प्रकार का मेमोरेंडम मैजिस्ट्रेट ऐड करता है, तो ये जो है मेमोरेंडम को आप एज अ एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर एक ऐसा मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है जो उस केस में ज्यूरिसडिक्शन नहीं रखता है, तो वो सेक्शन 164 क्लॉज 6 के अंदर उस कन्फेशन को एक ऐसे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देता है जो उस केस की ज्यूरिसडिक्शन रखता हो। तो सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हमें बताता है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट या कन्फेशन ट्रांसफर किया गया है तो मैजिस्ट्रेट या उस वो कोर्ट जिसको वो स्टेटमेंट या कन्फेशन ट्रांसफर किया गया है वो प्रिजम्पशन कर लेगा कि ऐसा कन्फेशन जो है वो ड्यू प्रोसेस के बाद या ड्यू प्रोसीजर फॉलो करने के बाद लिया गया है, क्योंकि उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर है। इसलिए इस प्रेजेंट केस में धनंजॉय रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये हेल्ड किया गया था कि जो मेमोरेंडम बनाया जाता है कन्फेशन के नीचे उसमें मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होने एक मैंडेटरी कंडीशन है, और अगर ऐसे कन्फेशन में मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर नहीं है तो ऐसा कन्फेशन एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल नहीं है और ऐसे कन्फेशन को बैड इन लॉ माना जाता है। तो सेक्शन 164 का क्लॉज 3 हमें एक प्रोविजन बताता है कि अगर मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय ये चीज लगती है कि अक्यूज्ड कन्फेशन नहीं देना चाह रहा है, या मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड कन्फेशन वॉलेंटरली नहीं दे रहा है, तो मैजिस्ट्रेट उस अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में डिटेन करने के ऑर्डर्स नहीं दे सकता। क्योंकि मान लीजिए अगर अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में थ्रेट्स दिए गए थे कि उसे कन्फेशन करना है और वो कन्फेशन नहीं कर पाया, तो अगर फिर से अगर उसे पुलिस कस्टडी में डिटेन किया जाता है तो उसे फिर से टॉर्चर दिए जा सकते हैं या थ्रेट्स दिए जा सकते हैं। इसलिए अक्यूज्ड को ये चीज से बचाने के लिए क्लॉज 3 के अंदर ये प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर बात आती है सेक्शन 164 क्लॉज 5 की, जो हमें बात बताता है स्टेटमेंट की, ऐसे स्टेटमेंट जो कि कन्फेशन नहीं होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को भी सेक्शन 164 के अंदर रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जब मैजिस्ट्रेट ऐसे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो उस पर्सन से ओथ दिलवाए और ओथ दिलवाने के बाद ऐसे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर ले। फिर 2013 के अमेंडमेंट के बाद क्लॉज 5A सेक्शन 164 के अंदर ऐड कर दिया गया, जो कि हमें ये प्रोविजन बताता है कि जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इन सेक्शंस के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, इसका मतलब कि वुमेन्स के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, तो विक्टिम को, इसका मतलब कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके जो स्टेटमेंट्स है वो जल्द से जल्द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाके रिकॉर्ड करवा दिए जाए सेक्शन 164 क्लॉज 5 के प्रोसीजर को फॉलो करके। फिर अगर उस ऑफेंस की वजह से जो विक्टिम है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड हो गया है, उन्हें कुछ गंभीर प्रकार की इंजरीज पहुंच गई है, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की मदद लेके ऐसे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। और जब भी ऐसी सिचुएशन में स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि ऐसे रिकॉर्डिंग को वीडियोग्राफ्ट किया जाएगा। फिर बात आती है क्लॉज बी की, जो कहता है कि अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज बी ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पररली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड शैल बी कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट इन लीव ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उस पर्सन के जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, तो ऐसे स्टेटमेंट को माना जाएगा कि ये स्टेटमेंट एग्जामिनेशन इन चीफ में लिए गए हैं, और ऐसे स्टेटमेंट्स का क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। सो गाइस, ये था प्रोसीजर कन्फेशंस और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का सेक्शन 164 के अंदर, जिसमें हमने एक एक करके सारे इसके सब क्लॉजेस पढ़ लिए हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे रिमांड का प्रोसीजर।